के कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने अनोखी विरोध प्रदर्शन किया है। आदिवासी विधायक फुंदेला सिंह मार्को सदन में बिजली बिलों का पैम्फलेट लेकर के पहनकर पहुंचे। उनका कहना था कि पुष्पराजगढ़ में बिना बिजली कनेक्शन और मीटर के ही लोगों को हजारों का बिल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आधे गांव को 2,991 का ऐसा बिल भेजा गया जबकि कुछ लोगों को 5,000 तक का बिल दिया गया है। तो फुंदेला सिंह मार्को का अनोखा प्रदर्शन, जहां पर बिजली बिल का पैम्फलेट पहन करके पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि कनेक्शन तो लोगों को दिया नहीं गया लेकिन हजारों का बिल लोगों तक जरूर पहुंचा दिया जाता है। तो ये पैम्फलेट है जो कि पहन करके पहुंच रहे हैं। अनोखी तरह से उनका ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बिलों के पैम्फलेट पहनकर पहुंच रहे हैं सदन में। तो ये सबसे पहले तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और देखिए अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के विधायक अलग तरीके से सदन में पहुंचे हैं। आदिवासियों पर रहम करे सरकार, न कनेक्शन न मीटर, फिर भी बिजली बिलों की अंबार। ये अनोखा विरोध है बिजली बिलों को लेकर, और सदन में आज इसी तरह से जाने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक हैं फुंदेला सिंह मार्को, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये पुष्पराजगढ़ विधानसभा के दुरांचल गाँव, जो हमारा रमना नंबर एक है, रमना नंबर एक में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पोषित जो जनजाति समाज के बैगा जात के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ कोई बिजली नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मीटर नहीं। इसके बाद ही 5,000 रुपए के, और ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति बैठ करके और ये सारे बिलों को बनाया है। बिजली बिल दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, दो हजार कनेक्शन किसी के पास नहीं है, सिर्फ कोई कनेक्शन नहीं, मीटर नहीं लगा है। नहीं, कोई मीटर नहीं, बिजली का बिल आ रहा है। और 2,991 ऐसे लग रहा है कि आदमी एक ही साथ बैठ के जो है स्विच को दबा रहे हैं। सब पे 2,991 सदन में आज मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे हम, जो भी कर सकेंगे अपने क्षेत्र के लिए, आदिवासी समाज के लिए। कि ये पूरा बिजली का बिल जो है वो इन्होंने पोस्टर में चिपका लिए हैं, इसके साथ ही तमाम बिजली के बिल एक साथ लेकर आए हैं। विधायक का कहना है कि एक समान बिजली के बिल सभी के दिए जा रहे हैं, 2,991 यही बिल सबको आ रहा है। ना तो मीटर है ना बिजली कनेक्शन है, फिर बिजली बिल कैसे? आज सदन में इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक उठाते हुए दिखाई देंगे। कैलाश मालवीय के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। और आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, बिजली बिल हाफ करने का मुद्दा तो हमने सुना था, लेकिन बिना मीटर के बिजली बिल आ जाना, ये अनोखा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और वहां पर वो अनोखी तस्वीर है जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हुए हैं फुंदेला सिंह मार्को। बिल्कुल कीर्ति, अपने आप पे अलग तरह का मामला है। जिस तरह के आरोप कांग्रेस विधायक ने लगाए हैं वो आरोप बेहद गंभीर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो। न मीटर न कनेक्शन, फिर बिजली बिल कैसे? क्या ये वाकई सच है? जिस तरीके से वो बिजली बिलों की एक मोटी कॉपी लेकर पहुंचे, अलग अलग बिजली बिलों की, उसमें 2,991 रुपए के बिजली बिल अधिकतर लोगों को दिए गए हैं। आरोप यह है कि एक ही गांव में अधिकतर लोगों को एक समान बिजली का बिल 2,991 रुपए का दिया गया, जबकि बहुत सारे लोगों को 5,000 रुपए तक के बिजली के बिल दिए गए हैं, और ना ही किसी के पास मीटर है ना किसी के पास बिजली का कनेक्शन है, तो बिजली के बिल जनरेट कैसे हो रहे हैं? ये आरोप है, ये सवाल उठाए हैं कांग्रेस के विधायक फुंदेला सिंह मार्को ने। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस बात को बता पाना तो देखिए संभव नहीं है, लेकिन अगर आरोप सही है तो बिजली व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि बिना कनेक्शन के, बिना मीटर के, बिना रीडिंग के बिजली के बिल बनाए कैसे गए? क्या प्रदेश में ऐसी ही व्यवस्था चल रही है? अन्य जिलों में यही स्थिति है? तमाम सवाल बिजली विभाग पर खड़े होंगे। कीर्ति, अगर ये आरोप सही है तो ये जो बिजली के बिल दिखाए जा रहे हैं बिना मीटर के, बिना कनेक्शन के, ये अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप राज्य सरकार पर कांग्रेस विधायक ने लगाए हैं। अब देखना होगा कि सदन में क्या होता है इसको लेकर, बिल्कुल क्या कार्रवाई की जाती है अगर ये सच निकलता है, किस तरह से इसको लेकर के अब जवाब बिजली विभाग देता हुआ दिखाई देगा। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश